खुश रहिए, खूब खुश रहिए। राजेश कहाँ से आए बेटा? मोहलागंज लखनऊ। 15 कई लोग हैं उनको? 15 लोग। 15 रख लिए जी। किसको कष्ट ज़्यादा है सबसे? कष्ट सर बाबा जी 3 जने ज़्यादा है, ये तीनों को। ये 3 महिलाओं को कष्ट ज़्यादा है? बाबा जी अमावस्या वाले दिन आए थे, हवन ले गए थे, पहला हवन एक घर में किए, दोबारा हिम्मत नहीं पड़ी। बहुत टांडो मचाए। इतना बवाल मच गया? बहुत टांडो मचाए, पूरा बवाल। प्रणाम बाबा जी। इन्होंने सोचा अच्छा हुआ एक ही करके निपट लो एक ही दिन में, नहीं है तो जाने से मार देंगे सब मिल के। कोई बात नहीं बेटा, ये किसी के साथ भी हो सकता है। प्रणाम बाबा जी। खुश रहो बेटा। बाबा जी हमारा नाम सरोजनी है। कोई बात नहीं बेटा, तुम मस्त रहो, आंखें बंद करो सब लोग। सब लोग आंखें बंद कर लें और कैंसिल। प्रहार तरकस से तीर निकल गया फिर वापस। खाना खाया? बैलेंस 5 बार बोलो ओम नमः शिवाय। आँख खोलिए, अपना अपना बंधन कीजिए 5 बार आप लोग ओम नमः शिवाय बोलकर। सब कट गई बेटा, जो पेशियाँ ऐशियाँ थी सबको, सब एक ही दिन की चिकित्सा में सब कट गई सारी पेशी। जो आपको प्रॉब्लम थी तमाम, फेफड़ों में सांस लेने में दिक्कत थी, आधा अंग पैरलाइज जैसा हो गया था इनका, आधा अंग लगता था लकवा मार जाएगा, है ना, दरबार ने सब हटा दी गंदगी। इन लोग गंदगी दिखाई देती थी, हाँ चारों तरफ गंदगी गंदगी, छुओ ना किसी को, छू लो तो गंदे हो जाओ, वो वाली गंदगी दरबार, उसको OCD बोलते हैं डॉक्टर साहब लोग, जिसको ज़िंदगी में ठीक नहीं कर पाते बोलते हैं इसका इलाज नहीं है, वो भी ख़त्म हो गया। अब कोई गंदा गंदा नहीं दिख रहा आपको? गुरु जी अभी कुछ नहीं दिख रहा। बिल्कुल बेटा सब खत्म हो गया है, जो आपको और तमाम प्रॉब्लम्स थी, तमाम पेट की प्रॉब्लम्स थी, यूट्रस की थी, ओवरीज की, दरबार ने सब हटाया है। जो यूरिन करने में, पास करने में, पेशाब करने में जलन होती, दिक्कत होती थी, वो भी दरबार ने सब हटाया है। सब लीवर की और तमाम समस्याएं खराब खराब, क्या क्या बताएं, आँतों में सूजन हो जाती थी, पेट फूल जाता था, ये सब डॉक्टर ने बोला था बच्चेदानी नीचे आ गई है, इसको नुकसाना पड़ेगा। वही 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 दरबार ने भी तमाम वहाँ से गंदगी हटाई है, कचरा, उससे सब सफाई हो गई है, ताकि आगे अच्छा हो गुरु जी, जो आपके मन में है आगे अच्छा हो। गुरु जी दवाई आयुर्वेदिक चले तो आप खाने की आवश्यकता है या आपको लग रहा है दवा खानी है? गुरु जी आपके आशीर्वाद से तो कुछ ऐसा नहीं लग रहा है। जो समस्या थी सब गायब हो गई, अब केवल इतना करना है, लेपन करना है सिर पे और पेट साफ रहे, इतना ही काम करना है, दो काम, और तुम्हें कोई रोग कष्ट नहीं है, सब खत्म, तुम लोग किसी को नहीं है, सब लोग चलो फिरो, उठो बैठो, देखो कोई भी कष्ट नहीं। सभी लोग चलिए, उठिए बैठिए, खुश रहो बेटा। एकदम खुश रहो, बच्चे कितने कष्ट में रहते थे सोचो, अब बच्चे कष्ट में है, और कुछ लोग लग रहा है पता है नाटक कर रहे हैं, किसी को लग रहा है नौटंकी कर रहे हैं, और अपने कष्ट से परेशान है। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी प्रणाम। खुश रहो बेटा। गुरुजी मैं शरीर से बहुत परेशान रहते हैं। आप कहाँ परेशानी, परेशानी चली गई, अब कहाँ परेशानी, आप हर कुछ परेशानी खत्म। गुरुजी स्टार्टिंग इन्हीं से कम से कम 15-20 लाख रुपया लग गया।
सिटी स्कैन 5-5 बार, MRI 5-5 बार, कोई बीमारी नहीं है। उतना पैसा कर्जा रहा होगा डॉक्टरों का। कर्जा सर आधा कर रहा बहुत है। हो गया है। अभी भी पैसा नहीं था, कर्जा लेके तब डॉक्टरों का कर्जा रहा होगा तुम्हारे ऊपर। हाँ, वो बात आधा कह रहा है जी। और गुरु जी, कोई रोग कष्ट नहीं है, सब नकली। गुरु जी आपसे एक निवेदन ये पूछना है। हाँ बेटा पूछिए। हमारे चाचा लोग एक मंदिर बनवाए थे। हाँ। पूर्वी माता नाम से मूर्ति स्थापित किए थे। कौन सी माता? पूर्वी माता। पूर्वी? हाँ जी, बहुत अच्छा। पूर्वी माता, पूर्वी माता, तो वहाँ हम लोग पूर्वी माता जा सकते हैं? नहीं जा सकते। नाटी माता, लंबी माता, पैदल माता, रथ वाली माता, जा सकते हैं? नहीं गुरु जी, जैसा आप बताएं। तो खुद ही बना लो घर में। ऊँटी माता? नहीं, आप माता बनाने से ऊँटी माता, हाथी माता, गौ माता जी, कौनो माता बना लो घर में। जब माता बनाना है, बनाना है तो कुछ बना लो, काहे परेशान हो यार दुनिया भर में। हैं जी जी, भोलेनाथ को पूजो, माँ बैठी साक्षात माँ दुर्गा को पूजो। भोलेनाथ मंदिर जाते हैं मंडे मंडे। सब कुछ कर लो घर में, कर लो यार मंदिर में, कर लो कहीं कर लो, लेकिन ये मरी माता जिंदा माता इनसे बचो। ठीक 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 ठीक, खुश प्रणाम। खूब खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। बहुत समस्या, क्या करें बच्चे, असल में गुरु जी प्रणाम नहीं है, इन्हें बताने वाला कोई है ही नहीं। और जिनके और ऊपर बताने की जिम्मेदारी है वो बड़े बड़े मोटे पेट वाले हो गए हैं, अंगड़ा रहे हैं, गिरुआ कपड़ा पहने लेटे हैं, पैर दबा रहे हैं, चार मुस्टंडे पैर दबा रहे हैं, इधर काजू इधर बादाम छौंक रहे हैं, सो रहे हैं आराम से, बड़ी बड़ी गाड़ी मैस कर रहे हैं, मतलब है जी भाड़ में गई जनता। गुरु जी प्रणाम। प्रणाम गुरु जी। हाँ अभी हम गए, कहाँ गए थे, अरे ग्वालियर गए। ग्वालियर में हमने हमारे बैठे हैं शिवराज, एक हमने बड़ी ज़बरदस्त चीज़ देखी, खड़े वाले हनुमान जी, तलवार वाले हनुमान जी, उल्टा वाले हनुमान जी, सीधे वाले हनुमान जी, तालाब वाले हनुमान जी, अरे कैसे कितने हनुमान जी, जितने मंदिरों नाम बदल के है ऐसा नहीं। हाँ पता नहीं गदा वाले कौन से, तलवार वाले हनुमान जी, हमने कहा हनुमान जी तलवार वाले कब से हो गए यार, वो तो है। अरे नहीं वो तो ठीक, अरे तलवार वाले हनुमान जी है, कोई करंट लग के मर गया होगा तो करंट वाले हनुमान जी। यहाँ कानपुर में कई स्थान है झगड़ेश्वर महाराज, ये झगड़ेश्वर क्यों ना बोले, यही झगड़ा हुआ था और बाद में समझौता हो गया, तो इस जगह झगड़ेश्वर महाराज वो समझौता महाराज। अरे यार हमने हाथ धो गया, तुम लोग रिकॉर्ड तोड़ दिए भाई, भगवानों को भी नहीं छोड़ा, अपने हिसाब से बना दिया भगवान। आप भगवान इस गलत फहमी में है कि हमने आदमी बनाया, और आदमी बैठा गदगद कि हमने बनाया भगवान को। हनुमान जी बेचारे परेशान हो जाते होंगे देख के, तलवार वाले हनुमान जी का। अरे भाई हनुमान जी को तो छोड़ दो, कम से कम बेचारे भगवान राम की दिन भर आराधना पूजा करते हैं, मगन रहते हैं, भक्त हैं, स्वयं शिव का जो है रुद्र के 11वें अवतार हैं, उनको छोड़ दो भैया, उनको पता नहीं जाने कौन कौन से रूप में। अच्छा आदमी बड़ा कलाकार है भाई, हम तो बड़ा देख के, हम देख खोपड़ी पीटते रहे पूरे ग्वालियर घूमे, जगह जगह हनुमान जी बेचारे परेशान घूम रहे हैं, हनुमान जी किस मंदिर में जाएं, वो अपने असली वाले हनुमान जी यही नहीं। धन आनंद आ गया देखकर। प्रणाम। हाँ बेटा खुश रहिए, सॉरी यार बेटा थोड़ा मस्ती करने लग गए। योगेंद्र है, योगेंद्र सिंह सोनीपत हरियाणा से। हाँ हटीले, हटूले हनुमान जी, हेलो अब हटीले हनुमान जी।